नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं नितिन शर्मा। हम पहुंचे हैं कृषि उपज मंडी में, जहां पर लगातार सरसों की आवक देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है आज सरसों को लेकर किया जा रहा है कि जो नमी वाली सरसों है उसको किस तरह से हम मंडी के अंदर सुखाया जा रहा है, क्योंकि मॉइस्चर वाली जो सरसों है उसके भाव भी कम है, किसानों को उसके भाव कम मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी किसान मॉइस्चर वाली जो सरसों लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है भाव सरसों के वो कम मिल पा रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ मंडी के अंदर किसान अपनी सरसों लेकर आए, लेकिन मॉइस्चर होने के कारण यहाँ पर काफी पूरी सड़क के ऊपर सरसों बिछाई हुई है, पूरी तरफ सरसों ही सरसों दिख रही है। यहाँ पर जो है ये हमारे श्रमिक हैं, ये लगातार पैरों से इस तरह से सरसों को सुखाने का काम कर रहे हैं लगातार, और ये जो है सुबह से शाम तक लगातार मंडी के अंदर जो सरसों है वो नमी के कारण यहाँ सूख रही है। अब हमारे साथ में यहाँ पर जो स्थानीय जो व्यापारी हैं मिट्ठू जी, हम उनसे जानते हैं कि मॉइस्चर का कारण क्या है सरसों के अंदर, और किस कारण से मॉइस्चर आया, और मॉइस्चर के कारण जो सरसों के भाव जो कम मिल रहे हैं किसानों को, इसका क्या कारण है सबसे बड़ा? जी मिट्ठू जी बताइए, क्या नाम आपका, क्या पूरा नाम? तो रामता गुप्ता है, उर्फ मिट्ठू। ये बात, पहली बात तो ये है कि जो माल सूख रहा है, ये माल सूखने का मतलब ये जो गीला माल कास्टर लिया था मंडी में, कास्टर गीला माल लिया था, उसके मतलब क्या है कि 44-45 भाव होते हैं गीली के, और सूखे के भाव होते हैं अलग। तो इसको गीली सूचू व्यापारी खरीद लेते हैं, फिर इसको सुखाते हैं, सुखाने के बाद इसको मतलब सुखा के अपने फिर इसको प्लाई में काम लेते हैं। तो मॉइस्चर के कारण क्या सरसों के भाव कम है? मॉइस्चर भाव तो वही है, भाव ये लगा लो आज ये मंडी में लगा लो, मतलब 42.6 मॉइस्चर का भाव है, 42-52 रुपया कंडीशन का भाव। अब गीली सेसु है, गीली सभी समझदार रहे हैं कि मतलब गीली सेसु का भाव तो अलग ही होंगे। अब गीली सेसु है 20 मॉइस्चर का भाव 4600 का भाव है, कहाँ 4600 का भाव, कहाँ 5250, उसमें मतलब मशीनरी 6 और यहाँ ये इसमें क्या नाम है जो 4600 बिक रही है 4600-4700, इनकी मॉइस्चर 18-20। तो कितना समय लग जाता है सरसों को सूखने में? सूखने में ऐसी बात है, सुबह लेबर फैलाती है इसको सुबह 8 बजे और शाम को 7-5 बज जाते हैं सुखाने में, फिर कंप्लीट होकर मिल में जाती है पिलने के लिए। ये बात है। कब रही बात भाव की, भाव में तो कास्टकार को इससे गीले माल भी फायदा ही है कि सूखा माल लाएगा तो वही भाव बिकेगा, गीला माल ऊँचे बिकेगा बिल्कुल का, ऐसी कोई बात नहीं, कास्टकार को कोई परेशानी है कास्टकार को। जी हमारे साथ में व्यापारी थे, इन्होंने बताया कि काश्तकारों को मॉइस्चर की जो सरसों है जो मंडी में आ रही है उसका भी भाव ठीक ठाक मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो काश्तकार अपने खेतों से जो सरसों लेकर यहाँ मंडी में पहुँच रहा है वो यहाँ पर जो सरसों है वो उसमें मॉइस्चर है, इसलिए सुबह 8 बजे से ही यहाँ किसान भाई ये जो पल्लेदार हैं वो लगातार यहाँ सड़कों पर सरसों फैला देते हैं जो पूरे दिन सूखती है, सूखने के बाद में फिर इसकी पैकिंग होती है, पैकिंग होने के बाद में ये जो मॉइस्चर वाली जो सरसों है वो सीधा क्या बोलते हैं मिल के अंदर जाती है, जहाँ वहाँ से इसका जो तेल निकलता है, तेल निकलने के बाद और वो मार्केट में जाता है और वहाँ पर बिकता है। नितिन शर्मा, अलवर।